मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के कादर पैलेस में चोरी की घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कादर पैलेस के हुमेरा हाइट्स में जीशान फारूकी के घर में चोरी ताला खोलकर हुई थी, जिसमें सोने चांदी की चोरी हुई थी। उसी तरह से इसी कादर पैलेस परिसर में एक बार फिर चोरी की खबर सामने आई है, जिसकी वजह से इस परिसर में दहशत का माहौल है। कादर पैलेस के सदफ मंजिल ए विंग के दूसरे मंजिले पर 27 तारीख की रात में सैयद आमिर के घर के दरवाजे की कड़ी काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हम आपको घर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से अलमारी से सामान बिखरा हुआ है, पूरे घर में सामान बिखरे पड़े हुए हैं। सैयद आमिर ने बताया कि घर से 6 तोला सोना, 24 तोला चांदी के जेवर, 2 लैपटॉप और 6000 रुपये कैश लेकर चोर फरार हो गया है। सैयद आमिर ने यह भी बताया कि एटीएम कार्ड उनका घर पे ही था, उसमें से चोर ने कार्ड के जरिए बैंक से 2400 रुपये ट्रांसफ़र भी कर लिए। आपको बता दें कि सैयद आमिर के घर चोरी की घटना तब हुई जब 27 तारीख को बांद्रा पूरे परिवार के साथ शादी में गए थे, मगर 28 तारीख को उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि 2400 रुपये उनके बैंक अकाउंट से कट गए हैं, जिसके बाद कस्टमर केयर से संपर्क किया और कार्ड की जानकारी ली, जिसके बाद वो मुंब्रा आकर घर के हालात देखे तो उनके होश उड़ गए। घर का सामान बिखरा पड़ा था, सोने चांदी के जेवर लैपटॉप सब गायब थे। लोगों का ये भी कहना है कि कोई गिरोह है जो बराबर लोगों पर नज़र रख रहा है और परिवार के घर से जाने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। मुझे 12:40 को सुबह में, आज मतलब दोपहर के 12:40 को मैसेज आया कि तुम्हारे अकाउंट से 2400 रुपये ट्रांसफ़र हुए। मेरे देखो ये मैसेज है मेरे इसमें 12:40 का कि मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए, तो मैं वही सोचा कि ये कैसे हुए, मैंने तो किया नहीं, ये क्यों हुए, तो उसी की जानकारी के लिए मैं मुंब्रा आया, तब मुझे पता चला कि मेरे घर में चोरी हुई। अच्छा, यानी आप मुंब्रा आए तो फिर घर पर भी आए तो देखे यहाँ चोरी हुई थी। मुझे तभी पता चला, मैं घर पर आने के बाद ही पता चला के यहाँ पे चोरी हुई। नहीं तो घर में आए आप तो कैसा था घर का नज़ारा उस वक्त क्या था यहाँ? घर में जब मैं आया तो मेरे घर के 2 दरवाजे आपने देखे, तो जो लोखंड का दरवाज़ा था पूरा खुला था और जो लकड़ी का दरवाज़ा था भिड़ा हुआ था। जब मैं खोल के अंदर गया तो मेरा बाहर का जो कोच है वो गद्दा उसकी जगह पर नहीं था, पूरा इधर उधर था। और बेडरूम में आने के बाद ये पूरे 3 कबाड़, एक एक खन के पूरे कपड़े नीचे पूरे बिखरे पड़े थे, और ये कबाड़ जो इसके भी एक एक कपड़े नीचे बिखरे पड़े थे। कबाड़ के ऊपर मेरे पेटियां रखी हुई है, वो पेटियां तक के नीचे रख के उनके अंदर भी छानबीन हुई, उनके अंदर जो पर्स एक एक चैन खोल के उसको भी देखा गया। अच्छा, क्या क्या चीज़ जो है आपके घर से चोरी हुई है, क्या सोना चांदी वगैरह है, कैश भी चोरी हुआ है? अभी मेरे फ़िलहाल तो मेरे घर में अभी शादी हुई थी, तो मेरी बहन के जो जेवरात थे वो मेरे घर में रखे हुए थे, वो गया है। और मेरे यहाँ पे एक लैपटॉप था, मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप था, वो गया है। और मेरे दोस्त ने मुझे लैपटॉप दिया था फॉर्मेट करने के लिए, तो वो रखा हुआ था, वो भी गया है। तो मेरा लैपटॉप और मेरे दोस्त का लैपटॉप गया है, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब सोने की चीज़ें थी वो सब लेके गए, मेरे मम्मी के जेवरात थे। अंदाज़ा कितना सोने के और चांदी के जो जेवर थे वो कितना रहे होंगे? सोना लगभग 6 तोला था और चांदी 2400 24 तोले की चांदी और 6 कैश वगैरह। मेरी बहन के असल में हम लोग कैश रखते नहीं घर में, तो मेरी छोटी एक बहन है वो है ना कैश जमा करती है, वो हमेशा कभी भी खर्चा नहीं करती, तो वो लगभग 6000 का उसका कैश गया। और एक वो हमेशा गल्ला है ना, गल्ले में चिल्लर अपना पैसा डालती रहती है, उसमें कुछ 1-2000 रुपये हो गए, वो भी गए, गल्ला पूरा गल्ला ही गया। लेकिन हाँ, कंप्लेन हम लोग ने की है आज पुलिस मुंब्रा पुलिस चौकी में। कादर पैलेस में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं कि वो घर छोड़कर जाएं तो कैसे जाएं, ताला खोलकर ताला तोड़कर घरों में चोरी हो रही है और ये घटनाएं कादर पैलेस परिसर में बढ़ते ही जा रही हैं। वहीं कादर पैलेस परिसर में रहने वाले आरिफ मंसूरी ने बताया है कि कुछ नशा करने वाले लोग हैं जो हमेशा रातों में यहाँ घूमते हैं और इमारतों के नीचे खड़ी बाइकों पर बैठे रहते हैं, जिसके लिए सोसाइटी से मीटिंग की गई है और CCTV कैमरे भी लगाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से अपराधियों की पहचान की जा सके और
चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।